बोलो कौन सा स्कूल है? उच्च प्राथमिक विद्यालय घूरपुर। क्या बना के लाए भाई? बिग लिफ्टर टूल, ईंट उठाने का यंत्र। हाँ, कैसे उठाओगे? इस यंत्र की सहायता से हम 5, 6, 7, 8 जितने चाहे ईंट उठा सकते हैं, और दोनों हाथों में अगर लेंगे तो बैलेंस बराबर रह सकता है और ताकत भी कम लगेगी। यस सर। मेरे मजदूर भाई बहनों को ईंट उठाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है, इसीलिए हमने सोचा बिग लिफ्टर टूल ईंट उठाने का यंत्र बनाऊं। अच्छा ठीक। और ये क्या है? चंद्रयान 3। इसके बारे में क्या बताओगी? मेरे मॉडल का नाम चंद्रयान 3 है। हाँ, ये क्या है? पाचन तंत्र। हाँ, ये कैसे काम करता है बताओ? किस तरीके से पाचन होता है? हाँ, अच्छा, ये वर्किंग मॉडल है सब। बस इधर से ग्रास नली से ये सामग्री जा रही है, फिर पाचन कैसे होता है, कहाँ कहाँ जाता है बताओ? हाँ, सीधी नली में पेट में आती है। हाँ, पित्र और छोटी आती बड़ी आती, जो कि हाँ इसमें से जो रस होते हैं वो मैं खाना को खाने को पाचन करते हैं। हाँ, तो मैं खाना पेट से फिर घुमावदार नली से होकर गुदा तक पाचन होता है। हाँ ठीक, थैंक यू। भोजन हाँ, ये कहाँ का मॉडल है? ये वर्षा जल संचय है। अच्छा, वर्षा जल संचय। हाँ बताओ क्या है ये? ये कैसे काम करता है बोलो जी? ये जो वर्षा होती है और जो पानी छत पे आता है वो वेस्ट हो जाता है, नालियों में जाता है, इससे हम यहाँ से इसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने का टाइम से इसको अनेक उपयोग में ला सकते हैं, जैसे खाना बनाने में और खेत की सिंचाई करने में, पौधों की सिंचाई करने में, अनेक उपयोगों में हम इसको ला सकते हैं। ये क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है, हमेशा क्रियाशील रहता है, इसमें हमें इसके मुंह से हमेशा ज्वालामुखी लावा निकलता रहता है, और ये है सुप्त ज्वालामुखी। अच्छा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा इस समय? ये सब निकलेगा। करके दिखाओगे क्या? जला के दिखाओ। अच्छा हाँ, ये जलना चालू हो गया, जल रहा है धीरे धीरे। हाँ, ये धुआं निकल रहा है, ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। बहुत बढ़िया। सुसुप्त में तो एकदम सोया हुआ है, अभी निकल नहीं रहा है। और ये भी शांत ज्वालामुखी है। कौन सा स्कूल है आपका? आपका क्या नाम है? पांडर है। हाँ, वर्किंग मॉडल दिखाओ। पांडर नोट करो, क्या दिखाना चाह रही हो? सर, हम ये दिखाना चाहते हैं कि गैसों में प्रसार कैसा है। गैसों का प्रसार? हाँ, ये देखिए, गैसों का प्रसार देखिए, बताइए। हाँ, गर्म पानी डाला। हम एक ग्लास लिए, चौड़े मुंह वाले बर्तन लिए और एक प्लास्टिक की बोतल लिए, और इसके मुंह पे ये बैलून्स लगाया, और हमने बैलून्स लगाया, और जब हम इस बॉटल को गर्म पानी में डाले क्या हो गया? गैस का प्रसार हो रहा है। इससे यह साबित होता है कि गर्म होने पर वायु फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। ठीक ठीक। और सांस छोड़ने में हमारे वश के माप में क्या अंतर आता है, इस क्रिया को हम इस मॉडल के माध्यम से बताएंगे। हाँ बताओ। हमने एक वाई आकार की झिल्ली ली और दो बैलून से नली ली, और एक रबर की डाट और एक कांच की बोतल, दो गुब्बारे और एक गुब्बारे के पीछे का पोर्शन काट के हमने इसमें लगाया। जब हम देखते हैं कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, तथा जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो गुब्बारे वो जग जाते हैं, इससे निकलता है। हाँ, करो करो करो, बार बार दिखाओ बस। सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं और हमारे वश का माप बार बार करो। और जब हम सांस छोड़ देते हैं तो हमारे फेफड़े पिचक जाते हैं और हमारे वश का माप कुछ और होता है। ठीक ठीक ठीक। यूपीएस गिंज का क्या है? जल चक्र बताओ बिटिया, बताओ जल चक्र का कैसे बताओगी? बताओ। थोड़ी
जल पहले यहाँ जाएगा वाष्प में, समुद्र में इकट्ठा होके वाष्पीकरण। ठीक ठीक बहुत बढ़िया। स्कूल है हाँ, क्या लाए हो? इलेक्ट्रॉनिक क्विज बोर्ड है। अच्छा बहुत अच्छा। और क्या है? रोड एक्सीडेंट प्रिवेंशन मॉडल है, जैसे कि पहाड़ की जगह यानी अंधा मोड़ जो रहता है उसको, इसमें बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ, उसको रोकने के लिए मैंने इस मॉडल का दिखाया। इसमें कैसे रहे हाँ कैसे आपस में लड़ जाती है, तो कैसे कैसे बचे गएंगे? ऐसे अगर कोई कार आ रही है हाँ वहाँ से कार आ रही है, अगर जो पहले इस मोड़ पर पहुँच जाएगी हाँ अलार्म बजने लगेगा और दोनों कार धीरे धीरे चली जाएंगी। अच्छा धीरे धीरे हो जाएंगी। चलो ठीक ठीक बताओ बताओ। सड़क सुरक्षा एवं सड़क की सुविधाएं हाँ क्या क्या है इसमें? इसमें मैंने एक पुल बनाया है, पुल ऊपर नीचे होगा, और मैंने ये स्पीड ब्रेकर बनाया है, ज्यादा स्पीड से गाड़ी आएगी तो अलार्म बजने लगेगा, और ज्यादा लोड गाड़ी आएगी तो भी अलार्म बजने लगेगा, इस तरफ ज्यादा बाढ़ आ जाएगी तो भी अलार्म बजेगा, और हम पुल को फिर मोड़ कर ऊपर कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे, इधर पवन चक्की लगाइए जिससे शहर गाँव और घरों तक लाइट है। अच्छा और क्या है? ये क्या है इधर? क्या है दूसरा भी? कौन स्कूल है बिटिया? हाँ कस्तूरबा में क्या बनाई हो? अर्थ एक डिटेक्टर है। हाँ अलार्म कैसे चलेगा, काम करेगा? भूकंप आएगा तो ये हमारा अलार्म बजेगा। हाँ तो मान ली भूकंप आ गया तो कैसे बजेगा? बजाओ। अच्छा अलार्म बजने लगा। ठीक ठीक ठीक। अरे किसी का फोन आ गया तो ग्रुप